When it comes to portrait photography, ये one of my favorite genres of photography है for very simple reason कि इस तरह की photography में मुझे chance मिलता है कि मैं नए लोगों को photograph करूँ या मैं unknown लोगों की photos ले सकूँ और उनके face में जो happiness होता है उनकी photo देखने के बाद वो एकदम next level चीज़ होती है. So इस video में मैं आपके साथ कुछ ऐसी mistakes share करने वाला हूँ जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है because आपकी तरह मुझे भी starting में लगता था कि बस सिर्फ एक 50mm lens ले लो अपने camera में लगाओ फोटोज लेना स्टार्ट हो जाओ और हम अच्छे पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं. ये गलत फहमी मुझे भी थी स्टार्टिंग में बट मेरे क्या लर्निंग्स हैं या जो मिस्टेक्स थी जो मैंने अब ओवरकम करी है. लेट्स कम टू दैट. सबसे पहली मिस्टेक या मैं बोलूँगा गलत फहमी जो मुझे रहती थी वो थी कि अगर मैंने 50mm लेंस लिया है 1.8 का तो मुझे इसको हमेशा 1.8 पे ही शूट करना है अगर मुझे अच्छे ब्लर इफेक्ट वाले पोर्ट्रेट्स चाहिए. नो डाउट f1.8 पे बहुत अमेजिंग ब्लर इफेक्ट आता है बट अगर मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ बताऊँ f1.8 पे यहाँ पर आप एक सैम्पल देखोगे अगर हल्का सा भी फोकस आगे पीछे होता है तो आपका पूरा जो पोर्ट्रेट है वो देखने में उतना प्लीजिंग नहीं लगता. अगर आप आंखों में फोकस करना चाह रहे हो हल्का सा भी डिस्टेंस चेंज हुआ तो वो नाक या कान या कहीं और फोकस हो सकता है. सो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ भले ही आपके पास f1.8 का लेंस है मैं हमेशा करता हूँ कि अगर मैं f1.8 का लेंस ले रहा हूँ तो मैं उसको 2.2 या 2.5 पे यूज़ करता हूँ टू मेक श्योर पहली चीज़ कि जो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए. अगर स्लाइट भी एरर होता है फोकसिंग में तो ज़्यादा आउट ऑफ फोकस वाला इफेक्ट ना आ पाए. और दूसरा बेनिफिट ये होता है जो आपको शार्पनेस है वो एक या दो स्टॉप्स मिनिमम एफ नंबर के जब आप ऊपर जाते हो तो शार्पनेस हल्की बढ़ जाती है. अगर आपको विश्वास नहीं होता ट्राई करके ज़रूर देखना. कमिंग ऑन टू सेकेंड मिस्टेक. अब बहुत बार क्या होता है जब हम फोटोज़ ले रहे होते हैं स्पेशली पोर्ट्रेट्स तो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर इतना ध्यान होता है हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं बट सबसे मेन चीज़ हम भूल जाते हैं वो है बैकग्राउंड. और यहाँ पे गलती क्या होती है कि आप अपने बैकग्राउंड को अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा ब्राइट कर देते हो. अब चाहे आप इंटेंशनली नहीं कर रहे बट बहुत बार क्या होता है अगर धूप है बहुत ज़्यादा तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्राइट होता है आपका सब्जेक्ट उतना ब्राइट नहीं होता और इसकी वजह से आपका आउटपुट ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड है या तो बहुत ओवर एक्सपोज हो जाता है या जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो हल्का सा अंडर एक्सपोज हो जाता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है. पहला सोल्यूशन हो सकता है आप रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर बाउंस करने के लिए. सेकेंड सजेशन और जो थोड़ा प्रैक्टिकल है और जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि आप ट्राई करो अपना बैकग्राउंड ऐसा चूज़ करो जो ज़्यादा ओवर ना हो आपके सब्जेक्ट से. अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल लाइट दे सकते हो या सिंपली रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हो. अब अगली मिस्टेक है आपके कैमरा की सेटिंग में. अब बहुत बार स्पेशली अगर आप DSLR यूज़र हो आपके पास कैमरा में ऑप्शन होता है कैनन में वन शॉट का ऑप्शन होता है निकॉन एंड सोनी में आपको AF-S करके ऑप्शन मिलेगा. अब AF-S और वन शॉट क्या करता है जब आप एक बार हाफ शटर बटन प्रेस कर देते हो तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक बार फोकस हो जाता है उसके बाद अगर आपका कैमरा हल्का सा आगे पीछे होता है या आपका सब्जेक्ट हल्का सा आगे पीछे होता है तो आपका अगर डिस्टेंस चेंज होगा कैमरा टू सब्जेक्ट का तो आपकी जो इमेज है वो आउट ऑफ फोकस आनी स्टार्ट हो जाएगी. इसलिए बेस्ट ऑप्शन या इसका सोल्यूशन क्या है इस मिस्टेक का वो है कि आप अपने कैमरा में वन शॉट से चेंज करके उसको AI सर्वो कर सकते हो और अगर आप AF-S यूज़ कर रहे हो तो आप उसको AF-C या कंटिन्यूस फोकसिंग पे डाल सकते हो. इससे क्या होगा जब तक आप हाफ शटर बटन प्रेस करके रखोगे आपका जो कैमरा है वो कंटिन्यूसली सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहेगा और इट विल मेक श्योर कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हमेशा फोकस में रहे. अब नेक्स्ट मिस्टेक है चूजिंग रॉन्ग फोकल लेंथ. यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑप्शंस हैं ये 50mm लेंस है और ये 15-35mm लेंस है. अब यहाँ पे हो सकता है कि आप पोर्ट्रेट प्लान कर रहे हो और आप 15-35mm लेंस प्लान कर रहे हो. अब ये एक ऐसा लेंस है जो मैं प्रेफर करूँगा लैंडस्केप में या ट्रैवल करते टाइम 35 में शायद फुल फ्रेम में मुझे उतना अच्छा पोर्ट्रेट ना मिल पाए तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो तो मे बी आपको 50-85 या उसके ऊपर की फोकल लेंथ पे जाना चाहिए. अगर आप हल्का सा वाइड जाओगे तो होता है कि आपके सब्जेक्ट के फेस में स्पेशली डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाता है अनटिल एंड अनलेस आप वो इंटेंशनली करना चाह रहे हो. अब एक बहुत सिंपल रूल है जितना आप फोकल लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो सब्जेक्ट है वो टू डायमेंशनल बनता जाएगा और जितना वाइड जाते जाओगे उतना उसका जो 3D इफेक्ट है फेस का वो ज़्यादा दिखेगा. सो प्रेफर्ड होता है आप
अगर फुल फ्रेम में शूट कर रहे हो आई वुड सजेस्ट 50mm इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। क्रॉप सेंसर में आप स्टार्ट कर सकते हो 35 के साथ, उसके बाद उसके ऊपर या नीचे जाना आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। सो यहाँ पे कुछ सही और गलत फोकल लेंथ नहीं है, बट आपको ये जज करना है कि आपको पर्सनली कौन सी पसंद आ रही है फोकल लेंथ। अब बात करते हैं लास्ट मिस्टेक की, और वो है नॉट एडिंग प्रॉप्स इन योर फोटोज। ये चीज़ मैंने बहुत बाद में जाके सीखी। अब ये चीज़ कई सिचुएशन में शायद ना काम आ पाए, स्पेशली जब आप स्ट्रेंजर्स को शूट कर रहे हो, बट लेट्स सपोज आप एक प्लान करके पोर्ट्रेट शूट करने बाहर जा रहे हो, आउटडोर या इनडोर। अब हैविंग अ प्रॉप एड्स ऑन टू योर फोटो, यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देखोगे। अब जो मैंने प्रॉप्स ऐड करे हैं, इट इज़ हेल्पिंग मी कि मैं उस फोटो में कुछ डिफरेंट एक्स फैक्टर ला पाऊँ, और ये बेसिकली मुझे हेल्प करता है कि अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग फोटोज ऐड करने का। अगर आप किसी का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, पेड असाइनमेंट है आपका, ये एक वो बन जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज देनी है एंड कीपिंग द क्वालिटी रियली गुड। सो हैविंग प्रॉप्स लाइक बहुत बेसिक सनग्लासेस, कैप्स, हैट्स, कुछ कैमरा या कुछ भी ऐसा प्रॉप जो कलर्स ऐड कर सकता है, ड्रामा ऐड कर सकता है या एक स्टोरी बता सकता है। सो ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जो मुझे लग रहा है शायद आप कर रहे होगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने इन द पास्ट इम्प्रूव करी है, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ एक मिस्टेक आप अभी कर रहे हो पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।